हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। ये जो अपडेट है वो दिल्ली पुलिस CAPFS एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं दिखाता हूँ। इसमें जो है फाइनल आंसर की को लेकर के कुछ बताया गया है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPFS एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2 अपलोडिंग ऑफ फाइनल आंसर की एलोंग विथ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और साथ साथ आंसर की दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPFS एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2 ऑन 6/1/2022 यानी 6 जनवरी 2022 को पेपर 2 का एग्जाम डिक्लेयर रिजल्ट को जारी कर दिया गया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। इन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इट हैज बीन डिसाइडेड टू अपलोड द फाइनल आंसर की एलोंग विद क्वेश्चन पेपर ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन 3 फरवरी 2022 यानी 3/2/2022 को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए एग्जाम सिस्टम की ओर से डिसाइड किया गया कि फाइनल आंसर की को साथ साथ क्वेश्चन पेपर को भी अब वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। जो है 3 फरवरी 2022 को आज ही के दिन में है, ये आप लोगों को देख लेना है। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स एलोंग विद द फाइनल आंसर की बाई यूजिंग द गिवन लिंक बिलो। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 3/2/2022 यानी कि 3 फरवरी 2022 से लेकर के 3 मार्च 2022 तक आप 1 महीने तक इस क्वेश्चन पेपर को अपना फाइनल आंसर की के साथ में देख सकते हैं। जो लिंक दिया हुआ है नीचे में वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है तो सीधे आप लोग उस पेपर जगह पे पहुँच जाइएगा जहाँ पर आप लोगों को सर्चिज दिख जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफिक लिमिट। तो यहाँ पे आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं लेकिन जो डेट दिया गया टाइम लिमिट उसके बाद आपको ये फिर देखने नहीं मिलेगा। अंडर सेक्रेटरी 3 फरवरी 2022 यानी कि 3 फरवरी 2022 को देखिए आज ही के यह नोटिस अपडेट आया है। ये जो है यहाँ पर है फाइनल आंसर की सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड CAPFS एग्जामिनेशन पेपर 2 2022। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सब जो भी मांगेंगे वो सब सारे फिल करना है। जैसे ही आप लोग फिल करेंगे तो आप लोगों का आंसर की और साथ ही साथ रेस्पॉन्स शीट भी देखने मिल जाएगा। तो यही अपडेट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPFS एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2 का एग्जाम दिए हैं वे लोग यहाँ पर सर्चिज देख सकते हैं, उसका रिजल्ट भी जारी हो गया है तो वो अपना मार्क्स को और आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो यही अपडेट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से।